आपने सेप्टोप्लास्टी सर्जरी तो करा ली, एंड ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको सांस में भी आराम आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जिस दिन आपको राइनोप्लास्टी करानी है तो जो नोज को मोडिफिकेशन के लिए जो मटेरियल जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, और अननेसेसरी आपका रिब कार्टिलेज या कोंकल कार्टिलेज उस टाइम पे हमें लेना पड़ता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेप्टोप्लास्टी एंड राइनोप्लास्टी सर्जरी? यस दोस्तों, क्या फर्क है सेप्टोप्लास्टी करूं या राइनोप्लास्टी करूं, या दोस्तों मेरे को दोनों ही जरूरत है? यस दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बढ़ दिएगी बेल आइकॉन एंड यूट्यूब चैनल जो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे फेसबुक एंड इंस्टा चैनल को फॉलो करना ना भूले। ऐसी बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों जब हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो बहुत बार पेशेंट्स का एंड लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो कि सर क्या मुझे जो है वो सेप्टोप्लास्टी करानी है, क्या मेरे को सेप्टो राइनोप्लास्टी करानी है? कोई सर्जन कह रहा है कि मैं आपकी सेप्टोप्लास्टी करा देता हूँ, राइनोप्लास्टी बाद में करा देना, तो क्या दोस्तों ये असमंजस है? दोस्तों बात करते हैं समझने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ये जो सर्जरी है उसमें क्या किया जाता है। दोस्तों नंबर वन, एक है सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी क्या है दोस्तों? कि हमारे नाक के बीच में जो हमारा जो सेप्टम है उसको ठीक करने का, जो डीएनएस है उसको ठीक करने की सर्जरी है जिसको हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, जो हमारा नोज ब्लॉकेज था उसको ठीक करने का ऑपरेशन है। नंबर दो दोस्तों, दूसरी जो सर्जरी है सेप्टोराइनोप्लास्टी जो सर्जरी है, इस सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी में हमारा जो नाक का जो अंदर का जो डेविएशन है, हमारा जो सेप्टम टेढ़ापन है, साथ के अंदर जो है हमारा जो नाक की जो बार की विकृति है उसको ठीक करने का ऑपरेशन सेप्टोराइनोप्लास्टी है। अब दोस्तों हम कब कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए ये आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपके नोज के अंदर हमारा नोज का जो लुकिंग है वो परफेक्ट है, दोस्तों अगर आपको पता है हमने बहुत सारे वीडियो में ये बात बताई है, नाक किस लिए बनाया भगवान ने? किस लिए बनाया? नाक बनाया दोस्तों जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग, हमारे को सांस आना चाहिए। दूसरा क्या काम है? दूसरा काम है हमारा जो जस्ट टू प्रोवाइड ब्यूटी टू अवर फेस, हमारे चेहरे की सुंदरता। आपका नाक बहुत सुंदर है, सांस नहीं आ रहा, यूजफुल है वो? नहीं ना दोस्तों। इसलिए इसमें क्या है, अगर आपका नाक लुकिंग में ठीक है, परफेक्ट है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लुकिंग ऑफ द नोज, एंड आपको खाली नाक से जो है वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, आपके नाक के अंदर का सेप्टम डेविएटेड है, तो दोस्तों आपको कोई राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपको ओनली सेप्टोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपका जो नोज है उसके अंदर आपका नोज बाहर से भी विकृत है, वो कैसे भी हो सकता है, वो चोट के कारण भी हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, डेवलपमेंटल भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, आपका नोज आपको बाहर को देखने में विकृत है, टेढ़ा है, बैठा हुआ है, एंड साथ में आपको सांस भी नहीं आ रहा, नेजल ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो दोस्तों इसका जो इलाज है वो है सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी। दैट मीन्स कि सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी से दोस्तों हम हमारे नाक का जो लुक एंड हमारी जो ब्रीदिंग, इन दोनों प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है कि आप जैसे अपनी प्रॉब्लम को लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड डॉक्टर आपको ये बताता है कि मैं सेप्टोप्लास्टी तो आपका कर देता हूँ लेकिन राइनोप्लास्टी आप बाद में दोस्तों आप करा लेना, या कई बार क्या होता है कि आपके पास जैसे फाइनेंस नहीं होता तो दोस्तों वो कहते हैं कि आप सेप्टो अभी करा लो, राइनो बाद में करा लेना। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 17 साल का, मैंने करीब करीब जो है वो 15,000 से ऊपर सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरीज की हैं। उनमें जो पेशेंट है दोस्तों, अगर आपको सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है तो दोनों आपकी साथ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारा सेप्टम जो है पूरा ऊपर नोज से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सपोज करो आपने सेप्टोप्लास्टी सर्जरी तो करा ली, एंड ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको सांस में भी आराम आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जिस दिन आपको राइनोप्लास्टी करानी है तो जो नोज को मोडिफिकेशन के लिए जो मटेरियल जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, और अननेसेसरी आपका रिब कार्टिलेज या कोंकल कार्टिलेज उस टाइम पे हमें लेना पड़ता है।
लेकिन अगर वही काम अगर आपने दोनों साथ कराया होता है दोस्तों, तो जो हमारा ये जो डेविटेड पार्ट है हमारा जो सेप्टम का, वो उस नोज को रिकंस्ट्रक्ट में दोस्तों काम आ जाता है। यस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका दो दो बार सर्जरी कराना एंड तीसरी सर्जरी जबरदस्ती क्रिएट होगी आपको रिब। सोचो आप अगर आपको दोनों साथ करा लिए तो आपको रिब नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में रिब लेनी पड़ेगी। एंड दूसरा बहुत बार क्या होता है कि वो जब नोज ऑलरेडी विकृत है, नोज की दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक्स होती है, उस नोज पे क्या उस विकृति उस टेढ़ेपन के कारण कुछ फोर्स होते हैं जो बाहर से लगते हैं, कुछ फोर्स होते हैं जो नाक टेढ़ापन अंदर से लगाता है। तो वो फोर्स का बैलेंस जब तक नहीं होता, एक आदमी को दो आदमी पकड़ के खींच रहे हैं तो जो एक आदमी खींच रहा है उसको तो आपने हटा दिया, तो जो दूसरा आदमी खींच रहा है तो क्या आदमी बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही हमारा दोस्तों नोज होता है, नोज पे क्या होता है कि बाहर से विकृति के और अंदर के ये जो दोनों जो डायनेमिक फोर्स जब बैलेंस होते हैं तो नोज क्या है सेंटर में आता है। सो दोस्तों उस चीज को क्या है कि अगर हम साथ करते हैं ना तो हमारा नोज क्या है अच्छा निकल के आता है, ब्लॉकेज फ्री होता है और एक स्ट्रेट नोज होता है। इसलिए आज आपके पास फाइनेंस नहीं है, जब आपके पास फाइनेंस हो जब आप करा लेना, लेकिन अच्छी जगह और दोनों साथ में कराना है। सेप्टोराइनोप्लास्टी की जरूरत है तो उसका कोई तोड़ नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, वो आपको सेप्टोराइनोप्लास्टी ही कराना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या होगा, कुछ समय बाद जो आपका नोज सही था दोस्तों वो ऐसे ड्रूपी नोज हो जाएगा, क्योंकि वो नोज का सपोर्ट निकाल दिया एंड उसका जो एक्सटेंसिव जो उस पे फोर्स लगा हुआ है, तो वो नोज को क्या है जो विकृति आपको पहले नहीं थी उसमें एक विकृति और ऐड ऑन हो जाए। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि नाक में और विकृति ऐड हो जाए? डॉक्टर क्या कह रहा है ये हमें मतलब नहीं है, हमें आपको काम क्या कराना है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कंफर्ट जोन होता है, हो सकता है जहां पे आपने सर्जरी करा रहे हो वो सर्जन उसमें इतना जो है वो काबिल नहीं हो, इसलिए आपको जो है डॉक्टर से अच्छे से पता लगा कि सेप्टोराइनोप्लास्टी की जरूरत है, तो आपको कॉस्मेटिक करेक्शन हमारा लुक भी ठीक कराना है एंड हमारा फंक्शनल करेक्शन हमारा ब्लॉकेज करेक्शन कराना है। एंड आपको लगता है मेरा नो जो है लुकिंग में ठीक है, ओनली ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो आपको सेप्टोप्लास्टी की जरूरत है। सो दोस्तों देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सेप्टोराइनोप्लास्टी कब चाहिए और सेप्टोप्लास्टी। सो दिस इंफॉर्मेशन इज रियली वेरी यूजफुल जो मेरे आर्मी एस्पिरेंट पर्सन है या जिनके नोज के अंदर जो विकृति है। बट दोस्तों जाते जाते जो है जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले एंड यू ऑल्सो फॉलो माई फेसबुक एंड द इंस्टा चैनल। थैंक यू, जय हिंद।